देखो, हम लोग चाहे कितनी भी तरक्की कर ले पर एक चीज में हमेशा पीछे रहेंगे, वो है हमारी सोच। सबको बेटा ही चाहिए और अनपढ़ों का तो चलो ठीक है, पर ये पढ़े लिखे कूल बंदों को भी फूल बेटा ही चाहिए। कि बेटे से कोई प्रॉब्लम नहीं है पर एक बेटा तो चाहिए। हाँ, बुढ़ापे की लाठी है ना, भले वो लाठी बाद में सहारे की जगह पीठ पे बरसे चलेगा, पर चाहिए बेटा ही। और गलती से बेटी हो जाए तो पूरा खानदान दुखी हो जाता है, सब रिश्तेदार भी आके तसल्ली दे रहे होते कि जिम्मेदार बन जाओ, जिम्मेदारी आ गई है, क्योंकि बेटियों को बोझ समझते हैं ना। वहीं बेटे को सहारा कि इतने बड़े साम्राज्य को कौन संभालेगा, भले साम्राज्य के नाम पे एक चारपाई दो कुर्सी हो पर चाहिए बेटा है, उसके पैदा होने के बाद खुद भले चटाई पे सोना पड़ रहा हो चलेगा, पर सबको बेटा चाहिए यार। मैं खुद जब पैदा हुआ तो पूरे घर वाले खुश हो गए, इतना प्यार दिया कि चूतिया गया, अपने लुल्ली तक नहीं संभाल पाता था, चैन में फंसा के आ जाता था हर बार। उन्होंने चैन वाले निक्कर ही लेने बंद कर दिए कि इतनी मन्नतों के बाद बेटा हुआ है, कहीं बेटी ना बन जाए। देखा, एकदम अजीब सा बच्चा हो गया था यार, गोलू मोलू सा, सर और कंधा, गर्दन थी नहीं, सिर्फ सामने देख पाता था, इधर उधर नहीं। फिर छोटा भाई पैदा हुआ तो इज्जत कम हुई, तब जाके सही हुआ मैं। और जब छोटा भाई पैदा हुआ ना तो सब खुश हो गए, भाई एकदम आके सावासी दे रहे पापा को। मेरे फूफा तो इतने एक्साइटेड हुआ कि आते ही चिल्लाने लगे कि अरे कमाल कर दिया साले साहब, छक्के पे छक्का। पापा डर गए कि अरे जीजा जी क्या बोल रहे हो, दोनों बेटे ही हैं। फिर कहते अरे वो वाला नहीं, वो वाले की बात कर रहा हूँ। और देखो सब शाबाशी दे रहे हैं, सब बधाइयां दे रहे हैं, मुझे आके बधाई दे रहे हैं। मुझे क्यों दे रहे हो यार, मेरा तो इतना भारी नुकसान हो गया, एक बार में प्रॉपर्टी आधी हो गई, वो भी बिना किसी गलती के। हाँ, और हमेशा कोई ना कोई रिश्तेदार आके बोलता रहता कि तुम्हारी कोई बहन नहीं है, तुम्हारा बड़ा फायदा हो गया। एक दिन मैंने पूछ लिया, मैंने कहा इधर आना, क्या फायदा हो गया बहन ना होने से? कहते कोई तुम्हें बहन की गाली नहीं देगा। मैंने और, कहते और तो कोई फायदा नहीं है। मैंने कहा इधर आओ, आपको क्या लगता है कि लोग बहन की गाली कैसे देते होंगे? मान लो मेरी किसी से लड़ाई हो गई, वो आएगा और मुझसे पूछेगा कि एक्सक्यूज मी ब्रो, आपकी बहन है? मैं बोलूंगा नहीं। फिर उसको दुनिया हिल जाएगी कि शिट यार अब क्या करूं, मां की तो इज्जत करता हूं मैं। या डायरेक्ट गाली दे देगा। और देखो यार, बहन ना होने का फायदा नहीं पता पर नुकसान बहुत है। देखा अपने घर में जब बहन होती है तो घर के काम में हाथ बटाती है, माँ से बातें करती है, पेरेंट्स की सेवा भी कर देती है। हम यहाँ दो भाई एक दूसरे के पैर के ऊपर रख के बैस लेटे हुए हैं, पेरेंट्स वहाँ चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे को पैर मार रहे हैं, तू जा नहीं तू जा, मतलब कोई सुनवाई नहीं। इसलिए मुझे ना यार बेटी ही चाहिए, क्योंकि ऐसे भी बहुत प्यारी होती है यार। उनको एक छोटे से चॉकलेट लेके आ जाओ, एकदम पापा पापा कह के गले लग जाती है ना, किसी विसी कर लेती है। लौंडों को जो मर्जी दे दो एकदम गुस्से में रहते हैं, एकदम अलग एटीट्यूड, किसी मांग लो सब फेंक देंगे, बचपन से ही पता नहीं किस बात का एटीट्यूड। और ऊपर से इतने लापरवाह होते हैं, क्या बताऊं यार, इनको अपने फ्यूचर की भी चिंता नहीं होती है। वही लड़कियों को पता होता है उनको फ्यूचर में क्या करना है ना। और एज ए पेरेंट्स आप सबसे ज्यादा फिक्र इस चीज की करते हो। यहाँ लड़कों से पूछ लो कि अब क्या करेगा, उनको कुछ पता ही नहीं है, वो दीपिका को फॉलो कर रहे हैं, कह रहे जो दीपिका करेगी कर लूंगा, वो एयर होस्टेस बन रही है, हाँ तो मैं भी बन जाऊंगा। और लड़कियों का सिर्फ करियर ही नहीं, इनको कैसा लड़का चाहिए, लाइफ पार्टनर कैसा चाहिए, उसका भी पता होता है कि क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए। लड़कों से पूछ लो, उनको कुछ नहीं पता। कैसी लड़की चाहिए? कोई भी चलेगी। क्वालिटी? जिंदा होनी चाहिए। लड़कों का ऐसा ही है भाई। हाँ, और इनका सक्सेसफुल रेशियो तो छोड़ दो, इनका सर्वाइवल रेशियो तो ना कम है, क्या बताऊं, ये खुद को जिंदा ही नहीं रख पा रहे। हाँ, अजीब अजीब सी मौत मर रहे हैं भाई, ऑटो में जगह है पर उसके पीछे वाले रोड पे लटकना है और वहीं कूदना शुरू कर देंगे कि मजा बहुत आ रहा है। बाइक यार, टू व्हीलर ऐसी रिस्की व्हीकल में आता है, आराम से चलाओ, इनको एक पहिए पे चलानी है। अपनी हरकतों की वजह से यमराज को बिजी कर रखा है इन्होंने। देखो, और हम लोग होते भी हैं यार, वो हमसे घर संभालना तो दूर की बात, हमारे भरोसे घर छोड़ के नहीं जा सकते। मुझे याद है एक बार मेरे पेरेंट्स को कहीं इमरजेंसी में जाना था तो मेरी माँ आके मुझे गैस सिलेंडर के बारे में बता रही है कि ये गैस सिलेंडर, इस पे खाना बनता है, तेरे दिवाली का बम नहीं है, धमाका कर दे। बहुत फुद्दू होते हैं यार हम लोग। फिर भी देखो, हमारे घर वालों को यार हमसे ही उम्मीदें होती है कि हमारा राजा बेटा हमारी ख्वाहिशें पूरी करेगा, हमें गरीबी से निकालेगा, है ना, हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। पर सच तो यह है कि तुम्हारा बेटा जवानी में सहारा लेके चल रहा है, वो क्या किसी के बुढ़ापे की लाठी बनेगा? माँ बाप होके अपने बच्चों को नहीं पहचान पाए, पढ़ा लिखा दिया तो सोच रहे हो अब कुत्ता चीता बन गया? नहीं, तुम्हारा बेटा अभी भी कुत्ता ही है, पहले जंगली था, अब किसी का पालतू हो गया है।
देखो पैसे से तुम मकान बना सकते हो पर कोई इंसान नहीं। सच सुनना चाहते हो तो सुनो, बर्बाद कर दिया हमने पैसा। कॉलेज में पढ़ाई की जगह चार और तरीके के नशे सीख के आए हैं। और हाँ एक और बात, ये जो दो कौड़ी के रिश्तेदारों के सामने बोलते रहते हो ना झूठी तारीफ में कि मेरा बेटा गाय है, गाय बहुत शरीफ है, बेइज्जती लगती है वो हमें, बहुत मुश्किल से खौफ बनाया है, सच बता रहा हूं, ऐसे बेइज्जती मत करवाओ हमारी। हम लौंडे हैं यार, हम लोग खुद से नहीं जीत पा रहे, किसी और से क्या जीतेंगे, हमारी लड़ाई खुद से।